हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल दी बॉल का, आर्क सुपर हाइब्रिड का। सो गाइस, आर्क सुपर हाइब्रिड के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने हमारा फर्स्ट डायनो जो है गाइस वो टेम कर लिया था। और अभी आज ना मैं कुछ एक नई चीज लेके आया हूँ। वो चीज क्या है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोग को गेमिंग विद एनी के चैनल की, उनके चैनल को भी जो ना गाइस जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग को आर्क पीसी के सर्वर बना के दोस्तों के साथ खेलना है तो निट्राडो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग सर्वर बना के दोस्तों के साथ खेल सकते हो। अगर आप लोग को यहाँ पे हमारे नए चैनल के बारे में पता नहीं है तो मैंने आर्क पीसी का एक ब्रांड न्यू नया चैनल खोला है, जहाँ पे ब्रांड न्यू नई सीरीज आर्क एजी रिबॉर्न अपग्रेडेड वर्जन की चालू है। भाई ऐसी सीरीज आर्क आपने कहीं पे भी ना देखी होगी, मजाक नहीं कर रहा है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना उस नए चैनल को भी। चैनल का नाम है आर्क गेमिंग। चैनल का लिंक जो है गाइस आपको कम्युनिटी टैब में और शॉर्ट वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस नए चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। सो चलो गाइस, अभी आज का आर्क सुपर हाइब्रिड का हमारा ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। और मैं पापा का परा बन के जो है ना गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो ये मोरेलो टॉप से इसको नॉकआउट करने की फुल टू ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसको नॉकआउट क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़े टाइम में आपको पता चलने वाला है गाइस, ठीक है। भाई हो गया बेहोश भाई, ठीक है। ये आ रहा है क्या उंगली करने, नहीं ये भाग जाएगा। अभी इसका दोस्त बेहोश हो गया ना तो वो भी भाग जाएगा। इसके अंदर मुझे डाल देना है गाइस सिंपल की बल, ठीक है। मैं फटाफट से सिंपल की बल जो है गाइस वो इसके अंदर डाल देता हूँ। एंड एफ एम के वाला जो है ना गाइस यहाँ पे एक पोशन डाल देता हूँ इसके अंदर, जिससे ये जो है ना गाइस तुरंत ही टेम हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलो हमारा मोरेलो टॉप टेम हो चुका है। सो इसको लेके पहले तो घर पे चलते हैं। इसको मैंने खास टेम करा है यहाँ पे बेरीज इकट्ठा करने के लिए। अभी आपको बताऊंगा, कल हम लोग ने ना पहाड़ी के ऊपर एक खतरनाक सा मॉन्स्टर देखा था, जो मॉन्स्टर इस सल्फर से टेम हो सकता है। हमारे पास टेमिंग फूड उसका पड़ा हुआ है, बट प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे ये है कि उस मॉन्स्टर को नॉकआउट करना भी फिलहाल के लिए हमारे बस की बात नहीं है। उतनी स्ट्रांग एरोज हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने इस वाले मॉड में, इस वाले सर्वर में एक और मॉड डाला है जिससे काफी तगड़ी वाली ट्रैंक एरोज हम लोग बना सकते हैं। बट ये ट्रैंक एरोज बनाने के लिए हम लोग को काफी सारी, देखो जितना ज्यादा टॉर्पोर हम लोग उसको देना चाहेंगे एक एरो से, उस एरो को बनाने के लिए उतना नार्कोटिक चाहिए होगा। 350 नार्कोटिक की एक एरो बन रही है गाइस, एक एरो। ब्लैक बुल्स भी चाहिए, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। बट ये सारी चीजें जो ना गाइस आज हमको बना के एक खतरनाक से मॉन्स्टर को टेम करना है। और उसी के लिए मैंने इस मोरेलो टॉप्स को जो ना गाइस यहाँ पे नॉकआउट करके टेम कर लिया है, ताकि हमको बेरीज दे सके। स्पॉइल मिड की बात करें तो 172 स्पॉइल मिड है यार, स्पॉइल मिड चाहिए होगा। मिड स्पॉइलर बना सकता हूँ क्या मैं, इफ पॉसिबल? नहीं भाई, बन गया भाई, बन गया। डंडना डंडन, रुको इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड इसके अंदर मुझे स्पार्क पाउडर बस खाली डाल देना है और जो अपना मीट होगा वो डाल देना है, ठीक है। इससे मिड स्पॉइल होना जो ना कि चालू हो जाएगा, इजी बीजी, ठीक है। यहाँ पे मिड भी स्पॉइल हो रहा है। मोरेलो टॉप्स का सैडल भी मैंने बना लिया है, मुझे स्पार्क पाउडर चाहिए होगी, ये भी बना लेता हूँ। और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाँ, चलो स्पार्क पाउडर भी बन गई। सल्फर भी हमारे पास पड़ा है, सल्फर से ना उन मॉन्स्टर का टेमिंग फूड बनता है गाइस, ठीक है। मोरेलो टॉप्स के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फटाफट से सैडल, इसका स्टैमिना बढ़ा देंगे, वेट बढ़ा देंगे, मूवमेंट स्पीड बढ़ा देंगे यहाँ पे, ताकि ये तेजी से जो ना गाइस यहाँ पे दौड़ भीड़ पाए। चलो भाई, नार्को बेरीज भर भर के इकट्ठा करके दे दे मोरेलो टॉप्स मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस नार्को बेरीज भाई। ए मैजिकल क्रिस्टल एलिमेंट, व्हाट ये क्या है? वेट अ मिनट गाइस, ये मेरे इन्वेंटरी में ये रहा। मैजिकल रिसोर्स टू अपग्रेड क्रॉप प्लॉट टायर, ओ दैट्स स्ट्रेंज, ठीक है भाई। कुछ अजीब सी चीजें भी मिल रही है यहाँ पे, इससे हम लोग क्रॉप लोड्स की टायर अपग्रेड कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे बस नार्को बेरी चाहिए अभी फिलहाल के लिए तो, ठीक है। लगभग 10,000 नार्को बेरीज गाइस मुझे यहाँ पे इकट्ठा कर लेनी है, जिसकी मदद से मैं फटाफट से जो है ना गाइस यहाँ पे नार्कोटिक बना सकूं। 350 नार्कोटिक से, सोच रहे हो गाइस 350 नार्कोटिक से एक एरो बन रही है, सोचना वो एरो
इतनी ज्यादा पावरफुल वाली होगी गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे ना अभी फिलहाल के लिए गाइस अपना गला जो है ना गाइस जो थोड़ा खराब है, इसलिए बीच बीच में आवाज आपको ना सीढ़ी में सुनाई दे रहा होगा मेरा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, उसका भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चलो मैं फटाफट से अभी यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ बेरीज। ये कितनी बेरीज हो गई मैंने देखी नहीं, रुको 5000 हो चुके, 5000 मोर, और 5000 चाहिए गाइस। चलो तब तक गाइस आप लोग लाइक ही कर दो जब तक हम लोग बेरीज इकट्ठा कर रहे हैं, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चलो अगर करा नहीं होगा तो। ओके, और मैं ना गाइस अपने मेडुसा वाला जो ना गाइस एक हाइब्रिड खुद के लिए बनाने का सोच रहा हूँ, स्नेक वाला हाइब्रिड, तो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ आप बताना गाइस मुझे नीचे कमेंट करके। हम लोग वैसे भाई हाइब्रिड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, आपको पता ही होगा एपिसोड 1 पे मैंने और 2 पे भी आपको दिखाया था कि हम लोग हाइब्रिड के बीच में स्विच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिल्क देगा क्या ये? ना यार ये सिल्क नहीं देता भाई, मुझे सिल्क की जरूरत पड़ने वाली है, क्यों अभी बताता हूँ रुको आपको। चलो इतने से काम बन जाना चाहिए मेरा, मैं इसको अनफॉलो कर देता हूँ। बेरीज कितने हो चुके हैं मेरे पास? 7000 बेरीज इनफ है भाई। ठीक है, एपीएम के बेंच यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसके अंदर स्पॉलमेट पहले से पड़ा है। चलो अभी नार्कोटिक बना लेनी है यहाँ पे। ठीक है, नार्कोटिक तो बन जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है गाइस यहाँ पे? ब्लैक पल, ब्लैक पल में एपीएम के मैं बना सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे चाहिए होगी सिलिका पल। और अभी सिलिका पल ही ना गाइस अपन यहाँ पे चाबू को क्या बोलते हैं भाई, वाइप वीप भाई, चाबू को क्या बोलता भाई यहाँ पे भाई, जरूर जाओ चाबू को मेरे को अनलॉक करने दो भाई, उससे जो ना सिलिका पल इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग भाई भर भर के। पता है आपको वो इस मैप पे बन भी जाएगा, बट एक आप है यार कितने लेवल पे बनता है गाइज वो चाबुक। वेर इज माई चाबुक गाइज, रुको गाइज यार लेवल कितने, इतने नीचे तो नहीं बनता होगा यार, इतने नीचे बनता है क्या गाइज ये? मेरे इन्वेंटर में बन जाएगा सिल्क की मदद से, बट मुझे पता नहीं गाइज था कि इतने ज़्यादा नीचे बनता है ये। गाइज रुकना गाइज मैं चाबुक ढूंढता हूँ, यहाँ पे नहीं, ऊपर ही होगा यार कहीं पे, तो ऊपर ही होगा, मैंने उसको मिस कर दिया, रुकना ऊपर ही होगा चाबुक, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। रुको उसका नाम क्या है ना गाइस वो देखना पड़ेगा पहली बात तो। ये गाइस इन्होंने रिमूव तो नहीं कर दिया ना, ये मैंने नया मॉड डाला है उस रीज़न से, इसमें से चाबुक वगैरह ये रहा भाई, मैं तो डाल रहा था WH, आ गया अभी भाई। ठीक है, सो इसको अपग्रेड कर देना है मुझे। ठीक है, आई डोंट हैव अपग्रेड स्टेशन, रुक जाओ मुझे अपग्रेड स्टेशन गाइस यहाँ पे बनाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। ठीक है चलो, मैं अपग्रेड स्टेशन और ब्लूप्रिंट स्टेशन भी बना लेता हूँ। आज तो गाइस मैं उस खतरनाक से टैंक की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर को पकड़ के रहूँगा। ठीक है, आज नहीं पकड़ेंगे, चलो आज मैं किसी और को पकड़ूंगा, मैं गोरिल्ला को पकड़ूंगा, ब्लैक गोरिल्ला करके था ना एक डायनो, उसको पकड़ने की ट्राई करेंगे हम लोग। इसके लिए मुझे क्या चाहिए बताओ? फाइबर स्टोन एंड फाइबर चाहिए, वुड चाहिए एंड हाइड चाहिए। ठीक है बराबर, इसको अभी हम लोग असेंडेड बना लेते, एकदम फुल असेंडेड गाइस। ठीक है, फुल असेंडेड, ये असेंडेड बन गया, अभी इसकी मदद से हम लोग बना लेंगे इसका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद इसको सिल्क और फाइबर चाहिए और ज़्यादा। ठीक है रुको, सिल्क तो मुझे मिल जाएगा यार, सिल्क और फाइबर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, भर भर के मिल जाएगा। ये लो भाई, ये लो भर भर के सिल्क और फाइबर मिल जाएगा भाई। भाई 10000 तो भाई फाइबर यहाँ पे इकट्ठा कर भी लिया मैंने। चलो इसके अंदर डाल देता हूँ ब्लूप्रिंट स्टेशन के अंदर, और फटाफट से चाबुक जो है गाइस अपना बना लेते हैं। इसकी मदद से मुझे सिलिका पल इकट्ठा करनी है, सिलिका पल से मैं बनाऊंगा ब्लैक पल, और ब्लैक पल और नार्कोटिक की मदद से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। रुको स्पॉलमेट चाहिए ना, रुको ब्लैक पल और नार्कोटिक की मदद से हम लोग बनाएंगे पावरफुल वाली ट्रैंक एरोज। ठीक है देख रहे हो, एक ट्रैंक एरोज बनाने के लिए नार्कोटिक ये रहा, 1800 नार्कोटिक बन के रेडी है। अभी चाबुक से सिलिका पल इकट्ठा करना है यहाँ पे है भाई, ये देखो ये देख रहे हो सिलिका पल ही सिलिका पल भाई, मुझे पता है भाई इस पानी में सिलिका पल है। रुको स्टोन है, बस किनारे पे से चाबुक मारते जाना है, सिलिका पल मिलते जाएगा गाइस हम लोग को, बस किनारे पे मारते जाओ। बेरीज वगैरह मिल रहे, सिलिका पल भी होगा भाई, रुको होगा 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 यहाँ पे, ये रहा सिलिका पल, 3000 मिल चुका है, बस इनफ है इतना ना मेरे हिसाब से तो भाई, इतने से काम बन जाना तो चाहिए मेरा। चला जाओ भाई, पापा का परा बन के बटरफ्लाई बन के उड़ जाता हूँ। तुम्हारा भाई जो ना कैसे हाइब्रिड है, चीते का, चिपकली का, बकरी का, वाइब्रन का और बटरफ्लाई का भाई। ठीक है भाई, तुम्हारे भाई का हाइब्रिड जो है ना कैसे खतरनाक है भाई। आप अब एक काम करता हूँ मैं, इससे FMK वाली ब्लैक पल्स बना लेनी है,
क्या ये ब्लैक पर्ल हम लोग को एरो बनाने के लिए वर्क करेगी? यस वर्क करेगी, पक्का सोडक का वर्क करेगी। ये एरो बना लेता हूँ अभी मैं। 8 एरो बन रही है, ठीक है। नारकोटिक कम पड़ रही है, ब्लैक पर्ल मेरे पास है बट नारकोटिक पहली बार कम पड़ रही है मुझे, ठीक है चलो। और ज़्यादा नारकोटिक नहीं है, लेकिन ये एरो जो 8 बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाली है। अभी बात करते हैं कि आज हम लोग किसको जाके टेम करने वाले यहाँ पे। सो पहले तो भाई यहाँ पर लोकेशन निकाली जाए। रॉकबर्ड तो मैंने पिछले एपिसोड में टेम कर लिया। एंग्री एप, 450 वाला एंग्री एप तो है गाइस। एंग्री एप को टेम कर लेते चलो, ठीक है। एंग्री एप को हम लोग इस भाई एरो से टेम करेंगे। मेरे पास उसका टेमिंग फूड जो है वो भी पड़ा हुआ है, तो मुझे जो है ना गाइस पहले तो ऊपर भाई उड़ उड़ के जाना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे, और वहाँ से मैं जो अपनी वाइब्रेंट वाली एबिलिटी है वो एक्टिवेट कर दूंगा और उड़ उड़ के सीधा पहुँच जाऊँगा उस एंग्री एप के पास, ठीक है। लेट्स गो। A few moments later. उड़ उड़ के गाइस काफी ज्यादा ऊंचाई पे मैं आ चुका, आप देख ही सकते हो भाई एकदम बादलों में आ चुका हूँ। अभी मैं वाइब्रेंट एबिलिटी चालू कर देता हूँ, वाइब्रेंट हाइब्रिड गाइस स्विच कर देता हूँ बटरफ्लाई हाइब्रिड से। ये हो गया स्विच वाइब्रेंट, और वाइब्रेंट हाइब्रिड के पास है एबिलिटी ग्लाइड करने की। अभी कुछ ही सेकेंड में गाइस वो मुझे वहां पे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा भाई, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और मैं ना मेडुसा वाला हाइब्रिड भी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। आप बताना मुझे मेडुसा वाला हाइब्रिड बनाना चाहिए कि नहीं। चलो ज़्यादा दूर नहीं है इस वजह से, ज़्यादा दूर नहीं, कितना भाई 1500 मीटर दूरी तो है भाई, इजीली पहुंच जाएंगे यार कोई। अरे मैं रेड ऑब्लिक पे टीपी भी तो मार सकता था, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने देखा क्यों नहीं कि ये रेड ऑब्लिक पे है भाई, मैं रेड ऑब्लिक पे टीपी भी तो मार सकता था। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। एंग्री एप जो है ना गाइस वो मर ना जाए। मैं कल वाले एपिसोड में भी एंग्री एप टेम करने जा रहा था लेकिन वो मर गया था, सो बस उम्मीद करो कि आज ये मरना जाए एंग्री एप। वैसे काफ़ी हाई लेवल का है तो इसको मार नहीं पाएंगे। बटरफ्लाई में स्विच कर रहा होगा इसमें, ठीक है। ओह शिट, मैंने गलत स्विच कर दिया भाई। एंग्री एप भाई क्या खतरनाक लग रहा है, रुको 5 सेकंड का कूलडाउन है। बटरफ्लाई में ही स्विच करना पड़ेगा। वाइब्रेंट स्विच भाई, वाइब्रेंट वाली एबिलिटी से मैं मार नहीं सकता, बटरफ्लाई से कैसे मैं ग्लाइड कर सकता हूँ एक जगह पे भाई। वो बुक्के शुक्के मार रहा है, उधर बुक्के शुक्के मार रहा है वल्चर को। ले अरे यार एरो लग जाती यार उसको, लग यार ओए सीधा नॉक आउट। ओए एंग्री एप सीधा नॉक, सीधा नॉक आउट। तुम उंगली करने आऊंगा मेरे भाई, तुम भाई हेलो यार मत करो ना यार ऐसा प्लीज भाई। मैं हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करता हूँ, मेरे साथ ऐसे अन्याय ना करा जाए। उड़ जा पापा का परा बन के भाई। ए ए ए तू जा ना छुटा। अरे नहीं मार एंग्री एप रे। अरे यार भाई मेरे एंग्री एप को मार रहे भाई, भाई पाप लगे गए। अरे बटरफ्लाई बन जा यार, बटरफ्लाई बन जा। मेरे एंग्री एप को मार रहे हो तुम भाई, पापी हो, पापी इंसान हो, क्या मिलेगा तुमको मेरे एंग्री एप को मार के। टॉर्पोर अलग चढ़ा दिया भाई यार, किसने काटा था मेरे को भाई जो टॉर्पोर चढ़ गया यार। मेरे एंग्री एप को मार रहे भाई, मार तो नहीं रही ना, दिख भी नहीं रहा भाई। एक ही तो भाई पूरे मैप पे हाई लेवल का था, उसको भी चुम्मी चुम्मी दे दे के अभी उसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस कम करी होगी यार इन लोग ने। यार क्या करूं मैं, सबसे बदला लेगा मैं लूंगा सबसे बदला गाइस, सबसे बदला लेगा भाई। माँ का भाई का बाप का एंग्री एप का सबका बदला लेगा तेरा भाई। ये ऊपर नहीं आना रे कोई भाई, ऊपर नहीं आना, उठने दो पहले मेरे को, उठने दो। हाँ अभी तुमको दिखाता हूँ मेरा बदला, राहुल का बदला भाई, ठीक है। ऊपर चढ़ के दिखाओ ना, चढ़ रहा है क्या, दम है क्या ऊपर चढ़ने का? नहीं ना, रुक जाओ। बदला लेने से अच्छा ना मैं इनको ऐसा नीचे भाई, मार तो मारा तो यार बहुत मारा है भाई। चलो कल कल, ठीक है। वर्क हार्डर गाइज नॉट स्मार्टर, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर गाइज, ठीक है। लेट्स गो, जैसे कि माने खराब है यहाँ पे। बादर को क्या चाहिए, रॉ मटन, मटन बिटन नहीं है, क्या चाहिए, सुपेरियर किबल। रुको मैं सुपेरियर किबल बनाता हूँ यहाँ पे। ऑल राइट गाइज, ये तो टेम हो गया, टेम हिल पर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और एंग्री एप लेगा बदला अपना, 583 लेवल का हो चुका है। रुक जाओ गाइस, एंग्री भाई फूड में पॉइंट कौन, अबे वाह इसका वेट का सीन नहीं है क्या, मैंने फूड में पॉइंट डाल दिया गलती से, सॉरी ब्रो गाइस, मैंने गलती से ना फूड में पॉइंट डाल दिया इसके यार। मुझे लगा उसका वेट है, वो इसका अनलिमिटेड वेट है गाइस, वेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीन ही नहीं है, ठीक है गाइस। मैंने एक एंग्री एप मॉन्स्टर टेम कर लिया, देखो ओहो भाई ये एप तो है भाई, गुस्से लेप है भाई, गुस्से लेप। रुको मैं भाई वो लोकेशन वाला जो गाइस मार्क था वो हटा देता हूँ। अंडे देखो भाई गुस्से लेप भाई, इसके ऊपर सिंक भी बने,
इसके अंदर से स्पाइक्स भी निकल रहे हैं, मोटा है लेकिन सब सब एप की तरह ये मोटा तो है भाई। ठीक है, अटैक कौन से इसके पास? ओए पंच मारने वाला अटैक है भाई, पूरी दुनिया हिलाने वाला अटैक है गाइज। ओए और क्या क्या अटैक है? ओए कोई अटैक नहीं है, कोई बस दो ही अटैक है यार इसके पास। ये क्या बदतमीजी है यार, ये तो कुछ भाई मेरे को ठीक ना लग रहा है भाई। दो ही अटैक ओनली, रुक जाओ गाइज। और इसमें बॉसेस भी है गाइज, इसमें बॉसेस भी है भाई का भाई। सैल्मन भाई ने संजू भाई की तरह चल रहा है। हाँ नायक नहीं खलनायक है भाई ये भाई, वॉकिंग स्टाइल तो देखो भाई की। आए हाय, अरे अरे कहाँ चला भाई, सीना तान के मेरे चे। ओह डैमेज तो है, हैं डैमेज तो है, इन्होंने मारा था मेरे को, डैमेज तो है बेटा इन्होंने मारा था गाइस मेरे को। पट्ट से भाई 3000 का पट्ट से एक झापड़, और दुनिया धरती लाने वाला अटैक 9000 का दे रहा है। डैमेज तो है मेरी जान, डैमेज तो है, डैमेज है बेटा, मैं मार दूंगा भाई। जंप मार सकता है ये? ओ मेरा एक जंप नहीं मार सकता यार भाई, ये थोड़ी सी भाई अच्छी बात नहीं लगी मुझे, लेकिन गाइस ठीक है भाई, इसका डैमेज तो काफ़ी बढ़िया जा रहा है। और इस मॉड के जो बॉसेस है ना, उनसे भी सामना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा हमारा। मैक्स लेवल हो गया क्या? 17000 का डैमेज दे रहा भाई, भाई चल देखो कैसे रहेगा ये एग्री एप। इसका वॉकिंग स्टाइल जो है गाइस मुझे काफ़ी फनी लगा। ओए चलो इसको स्टील मॉन्स्टर को मार देते हैं। रेडियो रेडियो गाइस, वो अरे भाई पट्ट से भाई स्टन दे दिया, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ गाइस भाई, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, अभी हिल पा रहा हूँ। भाई स्टील मॉन्स्टर काफी खतरनाक है, लेकिन मेरे डैमेज तो है भाई। ये स्टील मॉन्स्टर को हम लोग अगले एपिसोड में पकड़ने वाले हैं गाइस हाई लेवल के। भाई इसका डैमेज काफी है यार स्टील मॉन्स्टर का भाई, ये भाई स्टन दे दिया, मैं अभी हिल नहीं पाऊंगा गाइस, मुझे स्टन दे दिया भाई इसने। भाई स्टील मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है ना, इसको टेम करने के लिए लेकिन काफी ज्यादा एरो चाहिए होगी, क्योंकि 6-7 लाख का भाई इसका टॉर्पोर है, और मेरे भाई एरोज का शायद 50000 तक का ही डैमेज है भाई। मरीनी रहा मैं इतने भुक्के मार रहा हूँ इसको, देख रहे हो गाइस, ये स्टील मॉन्स्टर तो अगले एपिसोड में टेम हो जाएगा भाई, इसको तो टेम करके रहूंगा मैं। ये बार बार ना मुझे स्टन दे रहा है भाई, मैं इसको भुक्के मार रहा हूँ। रुको ये ले भुक्के, अब भुक्कों का खास कुछ असर नहीं पड़ रहा, ये ले बेटा भाई। अरे मेरी हेल्थ देखना कितनी डाउन कर रही है, मुझे हीलिंग पोशन पीना पड़ रहा है बार बार। ऐसे अगर विदाउट हीलिंग पोशन इसे पंगा लेता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। मार दिया गाइस, मार दिया स्टील मॉन्स्टर को मैंने, मार दिया फाइनली गाइस, फाइनली स्टील मॉन्स्टर को तो मार दिया मैंने। अगर हीलिंग पोशन ना होते ना तो स्टील मॉन्स्टर मेरे इस एंग्री एप को बड़े आराम से मार देता भाई, इससे तो मैं सबकी मार बजाऊंगा बेटा। अरे भाई साहब लेट्स गो बॉयज, कैसे लग रहा है गाइस आपको एंग्री एप बताओ गाइस मुझे नीचे कमेंट करके। भाई मुझे ना थोड़े से वल्चर्स को मारना है गाइस, मुझे चाहिए स्पॉइल मीट बराबर। अपने घर पे स्पॉइल मीट तो बन रहा है लेकिन उतना ज्यादा फास्ट नहीं बन रहा है, मुझे जो ना स्पॉइल मीट चाहिए काफी ज्यादा तेज तेज। अरे सबको मार दूंगा एक फुटके में, उड़ा रहा है यार सबको भाई, वन शॉट उड़ा है गाइस। एंग्री एप वर्सेस रॉक गोलेम आज। ओ वल्चर्स 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 फर्स्ट, गिव मी स्पॉइल मीट, नाइस। वल्चर्स को मारना है गाइस मुझे, ठीक है। अभी रॉक गोलेम वर्सेस एंग्री एप भाई, ठीक है भाई। 600 का डैमेज ओनली, ये ले वाओ रा भाई, वाओ मेरा भाई डैमेज इसके ऊपर पड़ तो रहा है, मरने वाला है गाइस मरने वाला है। अगर मैं इसके हेड पे मारता हूँ ना तो ज्यादा डैमेज पड़ता है, देखा देखना गाइस, ये देखो देखो 10000 का डैमेज पड़ा इसके हेड के ऊपर, देखना 17000 का डैमेज। इसके हेड पे मारता हूँ तो ज्यादा डैमेज पड़ता है, वो साइड वाले डायनो को, अच्छा वो साइड वाले डायनो को डैमेज पड़ रहा है भाई, इसके हेड पे नहीं पड़ रहा है। अब ये मर ही नहीं रहा गोलेम, अरे गोलेम कौन से चक्की का आटा खा रहा है भाई, हैं ये ले ये ले ये ले, मरने का नाम ही नहीं ले रहा, मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई ये, अमर भी मरे क्या गोलेम? अबे भाई मेरे को पता चला सीन ये हो रहा है कि ये गोलेम जो मैं डेड बॉडी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जिनको मैं मार रहा हूँ ना, उनको ये हार्वेस्ट करके खा रहा है गाइस यहाँ पे। लेकिन मैं भी हार नहीं मानेगा, मैं भी अपने बुक्को वाले अटैक से इस गोलेम की टांड बजाने की पूरी कोशिश करेगा भाई। मैंने आधी हेल्थ इसकी डाउन कर दिया गाइस, ठीक है बस अभी वापस से कोई क्रीचर आना जाए और इसको फ्री में खिलाना चाहिए। अगर ये किसी की डेड बॉडी खाएगा तो वापस से हील हो जाएगा, 12000 हेल्थ बची है। एंग्री एक बार भाई खा लिया यार उसने, वापस से हेल्थ फुल हो गई
भाई ये दिमाग यूज करता है, ये बोल रहा तेरे पास हीलिंग पोशन है बेटा, मेरे पास भी भाई अपना हीलिंग पोशन है। गोलेम भी लाइक भाई मेरे हीलिंग पोशन के सामने तेरा हीलिंग पोशन कुछ भी नहीं है, ये भी खुद को हील कर रहा है गाइस यहां पे वाइल्ड डायनोस को गाइस मार के उनको हार्वेस्ट करके। चलो 13,000 हेल्थ बची अभी इसकी, ऑलमोस्ट मरने में जमा है, भुक्के मार रहा है, मैं भी दुनिया हिला देने वाला अटैक दे रहा हूं पूरा। ठीक है भाई अभी तो ये मरने में जमा है, 7,000 हेल्थ बची है भाई, तू मत आना रे हाइना। वो एंग्री एक और एक मुझे दिख गया भाई, आ रहा है मारने यार भाई, इसको हार्वेस्ट करके वो खा जाएगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। मर गया फाइनली, मैंने एंग्री एप को भी मार दिया और इस गोलेम को भी मार दिया, बट मैं गोलेम को हार्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। रुको अगर इस गोलेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को मिल सकती है, सो मैं इसको ना हार्वेस्ट कर लेता हूँ अपने पिकैक्स से। रुक जाओ, लाइक ऑयल वगैरह, सल्फर, ऑब्सिडियन, ये देखो ये मेन चीज़ें चाहिए थी मुझे, ऑयल मेन चाहिए था मुझे। ठीक है चलो इसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ, फिर हमारे घर पे चलते हैं और अगले एपिसोड में हम लोग स्टिल मॉन्स्टर टेम करने वाले हैं। उसके लिए मुझे एरोज बनानी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, सो वो बनाने का काम भी हम लोग अभी कर लेंगे। आ जाओ चलो, अभी फिलहाल के लिए नीचे जाके थोड़े और वल्चर्स को मार देता हूँ मैं। फॉल डैमेज पड़ेगा इसको, इसको फॉल डैमेज नहीं पड़ रहा, फॉल डैमेज प्रूफ है भाई ये। वाह, सामने काफ़ी वल्चर्स है, इन सबको मार के काफी। ओ शिट ड्यूड, कोले भाई 2,00,000 भाई ना, मैं जा रहा भाई, भाई माफ कर दे कोले भाई, कोले भाई माफ कर दो भाई। अगले एपिसोड में सोच रहा हूँ मैं कोले को टेम कर लूँ भाई, क्या लग रहा है जबरदस्त वाला भाई वो मॉन्स्टर भाई। लेकिन उसको नॉकआउट करने के लिए थोड़ा सा भाई जुगाड़ करना पड़ेगा स्पॉइल मिड वगैरह का। ठीक है रुक जाओ, मैं मिड चुना गया जितना भी मेरे पास अवेलेबल है, रुको भाई सारा का सारा उस मिड स्पॉइलर में डाल देता हूँ, फिर भी काफ़ी टाइम लगेगा स्पॉइल मिड बनने में मुझे लग तो रहा है भाई। ठीक है रुक जाओ भाई, अनफॉलो कर दे भाई, अनफॉलो करे भाई, 500 ही मिड बनाए स्पॉइल वाला यार, यहाँ पे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। मुझे नारकोटिक भाई काफ़ी सारी चाहिए, 350 नारकोटिक चाहिए भाई एक वो बनाने के लिए, एक एरो के लिए 600 डाल दिया, मतलब 2,000-3,000 तक नारकोटिक गई यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। चलो हमारी जो डायनोज है ना उनको रखने के लिए अच्छा एक जगह नहीं बनाते, क्योंकि इस सीरीज में भाई देखो 15-20 ही डायनोज है, सो इस सीरीज के भाई ज़्यादा एपिसोड्स गई नहीं आएंगे। ठीक है ज़्यादा एपिसोड नहीं आएंगे, तो वो भाई जिसको भी यहाँ पर रख देता हूँ, मेरे पास एक और मॉन्स्टर है उसको भी रख देता हूँ। रखो ये हमारा बेरी कलेक्टर है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, और मेरे पास एक और मॉन्स्टर है जो मैंने पिछले एपिसोड में टेम करा था, उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है उसको हम लोग रख देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है ये चिटको है यार, ये दिखाई भी नहीं देगा। सो ये रह गए हमारे 3 टेम्ड डायनो, आज हम लोग ने उसमें से टेम करा गाइस, ये खतरनाक सा और डरावना सा, इसके नाखून देखना कितने ज़्यादा नुकीले हैं। बट इसके पास अटैक बस 2 ही है, एक ये पंच मारने वाला अटैक और एक ये भाई दुनिया हिला देने वाला टैग। सो 2 ही अटैक इसके पास है। बट मैंने अभी जस्ट जो एक नया मॉन्स्टर देखा है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अगले एपिसोड में मैं जाके उसको यहाँ पे टेम करने का काम करूँ। बाकी आपको जो प्लानिंग है वो कैसी लगी जरूर बताना। अभी के लिए एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारा एपिसोड है हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं, मिलते सीधा के तब से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड के आर्क सुपर हाइब्रिड के। तब तक के लिए बाय, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं अंदर बैठ जाता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है गाइस यहाँ पे मेरे को। और गाइस हमारा जो नया चैनल है गाइस, ठीक है हम लोग ने एक नया चैनल खोला है आर्क पीसी गेम प्ले डालने के लिए सिर्फ, उस चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। उस चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में, शॉर्ट वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, चैनल नेम है आर्क गेमिंग। चलो फिर गाइस मिलते हैं आर्क सुपर हाइब्रिड के अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.